In the last lecture, we have discussed about the loss angle test and impact test of the stone. In this lecture, we have discussed about the compressive strength of the stone. Compressive strength means to say that it is the ability to take the compressive load of the stone. If we use the stone in the building stone, how much the strength will be occur in the stone? So here we have cleared that the compressive strength. Minimum compressive strength of building stone is 100 MPa. Means to say, if we applied a compressive load on the stone, it is able to take 100 MPa load. Building stone is having 60 MPa to 200 MPa compressive strength. Genesis having maximum compressive strength. Means to say, Genesis is a very hard stone and take maximum compressive strength. Here we have cleared the compressive strength of different types of the stone. The range between 0 to 60 not used means to say, if we have compressive strength between 0 to 60, this is not able to use in the building stone, building works. And the range between 60 to 100, we take some work for the building stone, means to say average building stone we use in the simple work. And the compressive strength range between the 100 to 200, it is a good building stone and may be used all the works for this civil engineering or construction work. After then 200, greater than 200 compressive strength, then it is brittle. Means to say, it is a have maximum compressive strength but it is brittle. Means to say, if we have applied suddenly load, then it is break. Okay, compressive strength maximum or minimum. मिनिमम तो होती है 60 MPa और मैक्सिमम होती है 200 MPa. इनके डिफरेंट डिफरेंट रेंज दी हुई है कि कौन सा एग्रीगेट अपन कहाँ यूज कर सकते हैं या स्टोन कहाँ पर यूज करते कर सकते हैं. अगर किसी भी एग्रीगेट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 200 MPa से ज़्यादा है तो वह ब्रिटिश होगा. मीन्स टू से अगर उस पर अपन थोड़ा सा भी एकदम अचानक लोड अप्लाई करेंगे तो वो सडनली टूट जाएगा, ठीक ना. और नॉर्मल जो अपन बिल्डिंग स्टोन अपन यूज करते हैं उसकी 100 MPa कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक ना. यहाँ पर कुछ MPa वगैरह में बता रखा है, जैसे कि 1 MPa कितना होता है न्यूटन, MPa को क्या है न्यूटन पर mm स्क्वायर में भी अपन शो कर देते हैं. GPa क्या होता है 10^10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10^3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन इज 2.5 to 3. अब वो 3 बिकम ब्रिटल. किसी भी चीज़ की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 3 से ज़्यादा होगी तो वो ब्रिटल हो जाएगा. मीन्स टू से अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 से ज़्यादा है तो वो ब्रिटल हो जाएगा. ब्रिटल में यह है कि अगर अपन उस पर सडनली अपन ने किसी भी सडन लोड अप्लाई किया, किसी भी स्टोन के ऊपर सडनली अपन ने लोड अप्लाई किया तो ब्रेक करना चालू हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना. स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती डेंसिटी ऑफ एनी फ्लड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लड. स्टैंडर्ड फ्लड मीन्स टू से इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लड, मीन्स टू से इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी फ्लड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लड. ओके, जो भी इसका रेशियो रहेगा वो उसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कराती है. मीन्स टू से अगर इसको अपन वाटर के लेवल में कंपेयर करते हैं कि वाटर के डेंसिटी इतनी है, है ना, और उसकी जो भी अपन की लिक्विड है या जो भी स्टोन है उसकी डेंसिटी इतनी है, तो उसका जो रेशियो कहलाएगा वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी, है ना. वेट. फॉर स्टेबिलिटी पर्पज वी यूज हैवी स्टोन. अपन बाहर स्ट्रक्चर के लिए हैवी स्टोन को यूज करते हैं, लाइक अबटमेंट्स, कलवर्ट्स, पियर्स, वियर्स, कॉलम्स, रिटेनिंग वॉल्स. इन द आर्च लिंटन्स डोम वी यूजेस लाइट स्टोन ETC. अपन किसी भी भारी स्ट्रक्चर के लिए, मतलब बड़े महंगे या बड़े भारी स्ट्रक्चर के लिए अपन हैवी टाइप के स्टोन यूज करते हैं. फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज. अगर स्टोन के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे CaCO3 रहेगा तो क्या फायर का एक तरह से एग्रेसिव रहता है, फायर को अट्रैक्ट करता है, है ना. तो जो अपन का स्टोन होता है वो CaCO3 से फ्री होना चाहिए. ये पर यहाँ पर वही बताया गया, कंपैक्शन स्टोन हैविंग मैक्सिमम फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़. जो कंपैक्शन स्टोन रहता है उसमें मैक्सिमम फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है. इफ डिक्रीज CaCO3 देन इंक्रीज द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फायर, सो बिल्डिंग स्टोन फ्री फ्रॉम द CaCO3, ठीक ना. CaCO3 अपन के बिल्डिंग स्टोन में कम से कम होना चाहिए ताकि वो फायर रेजिस्टिंग से फायर रेजिस्टिंग कर सके या फायर रेजिस्टिंग से प्रति अट्रैक्ट रहे. इसमें फॉर द रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी कैलकुलेट
इसमें ये रेंज बता रहे कि कौन सा कितना क्या क्या रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। वैसे तो स्टोन जो रहता है वो कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कंप्रेशन लोड लेता है, बट उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कुछ ना कुछ रहती है। जैसे कि मान लो ये मेरा स्टोन है, इसको मैंने इधर से खींचा या इधर से खींचा या ऊपर खींचा या नीचे खींचा, तो उसकी कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में अपन उसको कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला दिया होगा, एस इज इक्वल टू 2P अपन पाई डी एल। पी जो भी है वो लोड हो जाएगा, पाई अपन जानते हैं 3.14 हो जाएगा, डी डाया ऑफ सैंपल और एल हो जाएगी लेंथ ऑफ द सैंपल। इसमें जो जो रेशियो रहता है डाया और लेंथ का 1:2 रहता है। इसमें टेस्ट बाय द टेस्ट वी मेजर सोल्यूबल साल्ट इन द स्टोन। ये तो अगर अपन का कोई एग्रीगेट है उसके अंदर अगर कुछ साल्ट प्रेजेंट है तो वो अपन इससे मेजर कर सकते हैं। एसिड टेस्ट अपन क्यों करते हैं कि अगर अपन का कोई भी स्टोन है उसमें अगर किसी भी तरह का कोई केमिकल प्रेजेंट है तो वो उससे स्टोन से रिएक्ट हो जाएगा, रिएक्ट होने के बाद में उसकी सरफेस जो है उसको ड्राई कर वो खुरदरी कर देगा, ठीक ना। इसलिए अपन उसको एसिड टेस्ट करते हैं। एसिड टेस्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक बकेट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एन बकेट एंड वी विल पुट और मिक्स और इनट 95% ऑफ वाटर एंड मिक्स 5% H2SO4। आफ्टर दैन सम एग्रीगेट और सम स्टोन में बी इनर्ट एंड लेफ्ट फॉर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स वी टेक आउट द स्टोन फ्रॉम द बकेट एंड सी डेट हाउ मच उनकी जो सरफेस है वो कितनी खुरदरी हुई। अगर उसके अंदर कोई भी स्टोन हुआ या कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हुआ तो उसकी सरफेस जो है वो खुरदरी हो जाएगा। यहाँ पर वही बताया हुआ है कि अपन ने पहले एक बकेट लिया है, बकेट के अंदर उसको पानी को उसके अंदर 95% पानी ले लिया है, 5% H2SO4 ले लिया, उसको फिर 24 आवर्स के लिए अपन ने रख दिया। कॉर्नर्स आर डैमेज दे हैव टाइप ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द सैंपल। इसका मतलब है कि जो अपना एग्रीगेट है उसके अगर जो कॉर्नर्स हैं अगर वो डैमेज हो जाते हैं या उसकी सरफेस में खुरदरी ड्राईपन आ जाता है, वो खुरदरी हो जाती है, तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। इफ़ एनी सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्टोन देन कॉर्नर इज डैमेज। अगर किसी भी तरह का उसके अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है जो एसिड प्रेजेंट है तो वो उसके अंदर मतलब केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट रहेगा। वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी क्वार्टजाइट हैविंग मैक्सिमम वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी। क्वार्टजाइट सबसे अच्छा स्टोन है, वो किसी भी मौसम के किसी भी इफेक्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है या उससे किसी भी उसके ऊपर किसी भी मौसम का इफेक्ट नहीं पड़ता। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन सेडिमेंटेड रॉक्स फाउंड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेयर इन विच लेयर सेडिमेंटेड रॉक स्टार्टेड नॉन एज नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। जो अपन का सेडिमेंटेड रॉक्स रहता है वो बनती कैसे, मान लीजिए कोई लेयर है इसके ऊपर कभी पानी बहता हुआ आया, उसके साथ कोई मिट्टी भी आ गई, मिट्टी आने के बाद वो वही इकट्ठे जमना इकट्ठी हो गई, कुछ समय बाद और कुछ आया वो उसके ऊपर जमना इकट्ठे हो गया, कुछ समय बाद और कुछ आया उसके ऊपर जमना इकट्ठा हो गया। तो ये कंडीशन ऐसी आती है कि ये जम जम के ये एक तरह का स्टोन बनने लग जाता है, ठीक ना। ये अपन का एक तरह का स्टोन बनने लग जाता है, तो ये सेडिमेंटेड रॉक्स कहलाता है। मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टोन इज पैरेलल टू नेचुरल ऑफ बेड स्टोन। मान लो मैंने किसी भी बेड स्टोन को इस तरीके से काटा तो मान लो मैंने कोई भी इस तरह से काटा तो इसकी नेचुरल जो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो इसी के अनुसार रहेगी। अगर मैं किसी को यहाँ पर लोड लगाऊँ या यहाँ पर लोड लगाऊँ तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो लोड कैरी नहीं कर सकेगा। इन द आर्च मशीनरी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इन द रेडियल डायरेक्शन टू द नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। जब अपन कोई आर्च बनाते हैं तो इसमें स्टोन को इस तरफ रखना या जो भी अपन का स्टोन रहता है इस तरह रखना पड़ता है, तो इसमें उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इसी के अनुसार रहती है, ठीक ना। सीजनिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग का मतलब होता है जो अपन स्टोन रहता है उसको काटना उसको फ्रेश करना वही उसकी सीजनिंग कहलाते हैं। फ्रेशली कट ऑफ स्टोन सर्टेन मॉइस्चर कंटेंट रिमेंस रिमूव दिस मॉइस्चर कंटेंट नोन एज द सीजनिंग ऑफ द स्टोन। जब अपन किसी भी हिल से स्टोन्स को काटते हैं या उसको बारे में उसको बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट रहता है, वो उस मॉइस्चर कंटेंट के रिमूव होने तक को उसको अपन सीजनिंग कहते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट नोन एज द क्वायरी शेप ऑफ स्टोन, क्वायरी शेप ऑफ ब्रेड 6-12 मंथ रहता है। वही जो अपन ने उसमें से स्टोन को निकाला उसको निकालने के बाद उसको ठंडा होने लगा या जो भी करा अपने उसके बाद में वह इसका सीजनिंग कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्वायरी शेप स्टोन इज सॉफ्ट एंड रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बिफोर क्वायरी शेप क्रिएट।
फॉर द रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन वी यूज ए सिंपलर टोन। जो भी अपन स्टोन है आड़ टेढ़ा मेढ़ा नेढ़ा निकला तो उसको एक तरह से सिंपल बनाने के लिए अपन उसको एक हैमर का यूज करते हैं, उसको सिंपलर हैमर कहते हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ क्वारी, क्वारी मीन्स माइल से बाहर निकालना, वही स्टोन को अपन ने कोई मील है उसके स्टोन को कोई मील है वहाँ से स्टोन को बाहर निकालना उसकी क्वारी से, क्वारी कहलाता है। एक्सकवेशन मेथड, दिस मेथड अडॉप्टेड बाई सम एक्स्ट्रा मटेरियल एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर रॉक्स। वेज मेथड, दिस मेथड अडॉप्टेड फॉर सेडिमेंटेड रॉक्स मोस्टली अडॉप्टेड फॉर सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन। इन द क्वारी प्रोसेस वी हैव यूज वी यूज एज जम्पलर टूल, क्वारी शेप के अंदर जम्पलर टूल अपन यूज करते हैं। ओके, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का मतलब वही, अगर अपन ने कोई आड़ा टेढ़ा मेढ़ा वो निकाला तो उसको एक तरह से फ्रेशली कॉन्क्रीट फ्रेशली बनाने के लिए उसको अपन ड्रेसिंग करनी पड़ती है कि यहाँ से अगर कोना निकल रहा है तो उसको साफ कर दिया, यहाँ से कोई ओबड़ खबड़ आ रहा है तो उसको हटा दिया, इसको एक तरह से फ्रेशली बनाने के लिए उसकी ड्रेसिंग कराते हैं। ये कुछ चार तरीके दी हुई उनको पढ़ लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो कुछ खास नहीं। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन ब्रिक्स, ब्रिक्स अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आज अपन का स्टोन जो भी था स्टोन कम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें मेरे को बता देना कि ये बात मेरे समझ में नहीं आई या ये मेरे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच, अपन अगले लेक्चर में ब्रिक्स पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।